नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टेस्टी। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो रेड सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम बना रहे हैं वाटरमेलन का जूस या तरबूज का जूस, जो कि गर्मियों में बहुत ही लाभदायक है, जिससे शरीर में ग्लूकोज की कमी को पूरा करता है तरबूज। तो इस तरह हमने तरबूज के को इस तरह से हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है और सब्जा के बीज भी हमने एक घंटे पहले भिगाने रख दिए थे, एक टीस्पून। साथ ही हमने नेचुरल फ्लेवर के लिए रोज़ पेटल्स का हमने यहाँ पर ये बनाया है, कलर और फ्लेवर के लिए, जो कि जिसमें शुगर सिरप का हमने यूज़ किया है, चाशनी यूज़ की है ये बनाने के लिए, और ऑरेंज का फ्लेवर और कलर, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है इसमें ऐड करने से। और तीसरा हमने कलर और सिरप बनाया है बीटरूट से। तो इस तरह आप चाहो तो रूह अफ़ज़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आइस क्यूब्स लेते हैं। आइस क्यूब्स ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना भी ले सकते हैं। तो इस तरह ऑरेंज का जो फ्लेवर था हम इस तरह लगाते हैं। और फिर हम उसमें तरबूज के छोटे छोटे पीसेस को ऐड करते हैं। गर्मियों में ये बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, जो कि ग्लूकोज की कमी को भी पूरा करता है। अब हम फिर से रोज़ का फ्लेवर या सिरप डालते हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। क्योंकि हमने सिरप शुगर में बनाया है इसलिए शुगर अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं। चाहो तो इस तरह से रोज़ का जो हमने सिरप बनाया है वह ऐड कर सकते हैं, साथ ही सब्ज़ा के बीज, और उसके बाद फिर से थोड़े तरबूज के हमने टुकड़ों को ऐड किया है और अब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो सब्ज़ा के बीज भी हमने इसमें मिलाए हैं, तो जूस बहुत ही ज़्यादा पीने में टेस्टी होता है और बनकर बहुत जल्दी तैयार है। इसको हम सजाते हैं गुलाब की पंखुड़ियों से। तो तैयार है वाटरमेलन जूस, तरबूज का शरबत, जो कि देखने के साथ साथ पीने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इस तरह अगर आप चाहो तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो हम एक गिलास पे हमने आइस क्यूब्स डाला और रूह अफ़ज़ा डाला जो हमने रोज़ पेटल से बनाया था, उसके बाद हमने ऐड किया तरबूज के पीसेस को और अब हम उसमें दूध ऐड करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है इस तरह का शरबत। और अब हमने इसको सजा दिया है गुलाब की पंखुड़ियों से और हमने इसमें सब्ज़ा के बीज भी ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए गर्मियों में इस तरह के हम जूसेस पीते हैं तो शरीर में जो है पानी की कमी नहीं होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। गर्मी से भी राहत मिलती है और बहुत ही जल्दी आसानी से यह गर्मियों में यह फ्रूट मिलता है और बहुत ही जल्दी से झटपट से तैयार हो जाता है। कभी हम जूस बना सकते हैं और कभी कभी इस तरह तरबूज के छोटे छोटे पीसेस कर हम मिल्क शेक बना सकते हैं, मिल्क में मिलाकर या पानी में मिलाकर। आप चाहो तो, हमने यह मीठा शरबत बनाया है, आप चाहो तो नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप
सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। थैंक यू।